आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। दो तरीके से बनाएंगे, एक चीजी पोटैटो बाइट्स बनाएंगे और एक गार्लिक पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। रमजान स्पेशल है, इफ्तार स्पेशल है, आप इसको इफ्तार के टाइम में स्नैक्स के तौर पे तैयार कर सकते हैं। स्टोर एंड फ्री स्नैक है, आपके लिए बहुत आसानी होगा अगर पहले से बने रहेंगे। बस आपको टाइम पे इसको फ्राई करना होगा। शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, एयर फ्रायर में करें, ये किसी तरह हो सकता है। तो चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि इनको मैंने कैसे तैयार किया है। गार्लिक पोटैटो बाइट्स के आप देख रहे हैं, 6 आलू लिए हैं, यानी कि आधा किलो आलू है, जिनको मैंने बॉइल करके इनको बिल्कुल मैश कर लिया। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, लम्स इसमें नहीं होना चाहिए। नमक जायके के हिसाब से ले लीजिए। ये मिक्स हर्ब्स हैं, ये आपके पास नहीं है तो ऑरेगानो ले लीजिए। 3/4 टीस्पून लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। 5 चम्मच यानी कि 5 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लावर लिया है। ये इजीली ये घर में तैयार हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रमजान के लिए इसको तैयार करके रख सकते हैं। ये पकौड़ियाँ से काफी क्रिस्प तैयार होती है। चावल ले लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद उसको सुखा लीजिए धूप में, बिल्कुल जब सूख जाए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें और फिर छान लें। जो छना हुआ आटा निकलेगा वो आपका राइस फ्लावर हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार करके रख सकते हैं, अदरवाइज ये बाजार में मिलता है। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। गार्लिक पाउडर है, इसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। और अगर आपका गार्लिक पाउडर रखे रखे लम्स बन जाते हैं तो उसको कैसे, उसके गांठों को खोलना है, वो भी वीडियो में बना के डाला हुआ है, दोनों आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमने पैन ले लिया है, बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है, यानी कि 1 टेबलस्पून के आसपास होगा। उसको पूरे में फैला देते हैं। सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है तो मैंने सारे मसालों को उसमें डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप करिएगा, हाई फ्लेम नहीं करना, अदरवाइज जल जाएगा। मसाला भून गया है, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, 1/2 कप। मैंने धीरे धीरे करते हुए इसमें फ्लावर डाला है, राइस फ्लावर, और इसको चलाते रहिए। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, एक साथ नहीं डालना है, और चलाते हुए इसको आप डालें। इससे क्या होगा कि राइस फ्लावर पक जाएगा, कच्चे पेन की नहीं पता चलेगा कि कच्चा है, इसलिए ये पका लेना जरूरी है। और इसकी सूजी की तरह भी टेंडेंसी होती है, फूलता है पानी में, ये पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको हम पका रहे हैं। देखिए डो की तरह ये तैयार हो जाएगा। सारे मसाले भी भून गए हैं तो बस अब ये तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट लगाया और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। राइस फ्लावर में मैंने आलू डाल दिया है, कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से एक डो की तरह, जैसे आटा होता है वैसे इसको मिक्स करके तैयार कर लेंगे। जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा तब आप इसको कर लीजिएगा, ताकि मिलाने में आपको आसानी हो जाए। तो बहुत बढ़िया सा ये डो तैयार होगी। थोड़ा सा हम ऑयल लगा के उसको बस चिकना कर लेंगे, ताकि लगे बिल्कुल आटे की तरह। तो आप देखें बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसके मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। थोड़ा सा आटा या मैदा आप डस्ट कर लीजिए। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके से बना सिखा रही हूँ। तो पहले आधा हिस्सा ले लेते हैं, 4 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आप रफली इसका लंबा सा एक लॉक तैयार कर लें। तो क्योंकि पोटैटो बाइट्स हैं तो एक बाइट के लायक आप इसको इस तरह से काट लें। शेप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, फ्लैट बना लें, गोल बना लें। तो सारे इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये सारे हमने तैयार कर लिए हैं, अब इनको आप फ्रीज करके इसी स्टेज पे रख सकते हैं। दूसरी तरह के जो पोटैटो बाइट्स है वो आप तैयार कर लेते हैं। तो ये दूसरा लॉग है, इसमें से थोड़ा सा हम लेंगे। मिक्सचर है आलू का, आप थोड़ा सा हाथ में ले लें। ये मैंने ग्रेटेड चीज, मतलब रेडीमेड ही मिलती है ये ग्रेटेड, तो आप वो ले लें, या चीज क्यूब डाल दें, जो आपके पास हो आप वो डाल दें। तो इस तरह से इसको बंद कर दें। बिल्कुल रेडीमेड, जैसे फ्रोजन मैकेन्स के या इस तरह के आते हैं फ्रोजन फूड, बिल्कुल सेम उसी तरीके के ये तैयार होंगे। रमजान के लिए आप इस तरह से उनको बना के पहले से रख सकते हैं। जैसे फ्रोजन फूड कई दिनों तक, महीना भर, 2 महीना ऐसे रह जाते हैं, उस तरह से ये भी रह जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए पोटैटो चीज बॉल्स भी तैयार हो चुके हैं और पोटैटो बाइट्स भी तैयार हो चुके हैं। एक ही डो से हमने 2 तरीके से तैयार किया है। तो इस तरह से आप उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको रखना कैसे है। एक कोई भी कंटेनर ले लें और इस तरह से उनको प्लेस कर दें। तो इस तरह से आप 2 लेयर 3 लेयर करके जरूर लगा दीजिएगा। पार्चमेंट पेपर और थोड़ा सा मैदा जरूर छिड़क दीजिएगा। तो इस तरह से 2-3 जितना बड़ा भी आपका डब्बा है 3 से 4 लेयर आ जाएंगी। और फिर बंद करके फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको निकालना हो, खाना हो, सर्व करना हो, तो निकालें, तलें और दें। बस इंस्टेंट है, आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, डीफ्रॉस्ट कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिंपली आपको फ्राई कर देना है। सेम इसी तरीके से हमने ये भी रख दिया है। तो आप देखिए मैंने इसको फ्रीजर से निकाला है, उस वक्त मैंने नहीं तला। आप देखिए कितने बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो
तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, और इसको ओवन में भी हल्का सा ऑयल लगा के इसको आप कर सकते हैं, या एयर फ्रायर में कर सकते हैं। चारों ऑप्शन है, जैसा आप चाहें इसको कर सकते हैं। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से कलर आ गया है इसको। बस जैसे आप नॉर्मली फ्राई करते हैं, तेल को पहले हाई कर लीजिएगा गरम, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आप उसको कर लीजिएगा। तो बस ये अभी हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए बढ़िया से हमारे दो तरीके के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, पोटैटो बाइट्स, गार्लिक पोटैटो बाइट्स आप कह सकते हैं, चीजी गार्लिक पोटैटो बाइट्स। तो दोनों तरीके से आप बना के रख सकते हैं, फ्रीजर में इसको रख लें, स्टोर एंड फ्रीज स्नैक्स हो जाएंगे आप। जैसे आप मैकेन के लाते हैं, सेम उसी तरीके के हैं। तो बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और रमजान के लिए आप इस रेसिपी को सेव करके रख सकते हैं। मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। तो बनाइएगा, हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहता है। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शायला आज़ाद तक।